The question is, a thin hollow sphere of mass m is completely filled with non-viscous liquid of mass m. When the sphere rolls on a horizontal ground so as the center moves with velocity v, kinetic energy of the system is equal to. This question basically is all about understanding a concept. The concept is that the total k will be equal to k of hollow sphere plus rotational k of hollow sphere plus k linear of solid sphere of liquid plus rotational k of solid sphere. Now this term is zero. Non-viscous liquid will not have any rotational kinetic energy. You need to understand this. बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा आंसर लिख दोगे. अब उसके लिए यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दिस इज अ रॉड और यहाँ पे इसके साथ में एक ये लगा हुआ है अ डिस्क. लेट्स से दिस डिस्क इज नॉट मूविंग एट ऑल. ठीक है, ये मूव ही नहीं कर रही है, ये फिक्स है यहाँ पे, ये ऐसे करके फिक्स है बिल्कुल ऐसे करके. एंड दिस रॉड इज मूविंग लाइक दिस. तो अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आपसे कोई कहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स रॉड प्लस दिस डिस्क, तो होगा क्या कि मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा. ठीक है, यही वाला पॉइंट यहाँ के ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा. ठीक है, और अगर फिर आप देखेंगे, ये पॉइंट हमारा मिस हो गया, सॉरी, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा जिसमें ये वाला पॉइंट ए होगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ ए होगा, सॉरी, ये बी होगा और ये फिर पॉइंट यहाँ जाएगा. अगर आप ध्यान से देखें, पॉइंट ए और बी भी घूम रहे हैं अराउंड दिस सेंटर. ठीक है, तो जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का भी लूंगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑल्सो आई विल टेक घूमने का. अगर ऐसा होता कि ये डिस्क भी घूमती, दैट मीन्स एक ऐसे सिस्टम बना देते हैं कि मान लिया ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें यहाँ पे ये एक डिस्क है और दिस इज फ्री टू रोटेट एंड इट डजंट ऑफर्स एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं ऑफर कर रहा है, तो आप देखेंगे किसी भी पॉइंट की पोजिशन वही रहेगी जो थी. अगर ए पॉइंट यहाँ पे है तो ये वाला पॉइंट ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट पूरा चक्कर लगाएगा. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेंटर के चक्कर नहीं लगा रहा है. तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ साथ साथ घूम रही है उसमें कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. तो नॉन विस्कस लिक्विड क्योंकि अंदर भी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, सो इट हैज़ नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओनली एनर्जी इट हैज़ इज काइनेटिक एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज हॉलो स्फेयर का होता है 2/3 एम बी स्क्वेड. ये तो जाएगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वेड प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो 1/2. हाई इसका ओमेगा होता है इसका 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक है जी, प्लस हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस जीरो. ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर बिकॉज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है. सो ओमेगा इज वी बाय आर बिकॉज दिस इज रोलिंग, वो आपको दिया हुआ है. सो यू कैन डू इट हाफ ऑफ एम बी स्क्वेड प्लस 1/3 एम वी स्क्वेड प्लस 1/2 एम बी स्क्वेड. तो ये वन हो गया, 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/3 एम बी स्क्वेड इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम.